आगे देखिए तीसरा पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना। इस प्रक्रिया में आपको ताप, दाब और सांद्रण किस तरह का चाहिए ये बताना है। तो देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी इस तरीके से, SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 प्लस Q। बैलेंस करेंगे तो इसको दो से गुणा कर देंगे। देखिए अब बैलेंस है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जब इस तरह का वो देखेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है समीकरण संतुलित होना। तो देखिए कैसे ताप की आवश्यकता है, दाब की कितने की आवश्यकता है, कैसे की आवश्यकता है और कैसे सांद्रण की। सांद्रण के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होगा तो अभिक्रिया आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी, अर्थात अधिक क्रियाफल पदार्थ बनेगा। समझ आ गया। लेकिन ताप और दाब के लिए, क्योंकि ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और आप जानते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, तो देखिए इसमें आपको कम ताप की आवश्यकता होगी। क्यों होगी कम ताप की आवश्यकता? क्योंकि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, ठीक है। अब दाब का कैलकुलेशन कर लीजिए। दाब के लिए वॉल्यूम या अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या देखिए, मान लीजिए ये दो वॉल्यूम है और ये कितना है, एक वॉल्यूम, दोनों हो गए तीन वॉल्यूम, लेकिन इधर कितना हो रहा है, दो वॉल्यूम। आप इसे मोल्स की संख्या में कर सकते हैं, दो मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, एक मोल ऑक्सीजन का, दोनों हो गए तीन मोल। आपस में क्रिया करके कितने बना रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, दो मोल। इसका मतलब आयतन की कमी के साथ संपन्न हो रही है, और जो अभिक्रिया आयतन की कमी के साथ संपन्न हो रही है उसके लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आयतन या मोल्स में कमी के साथ संपन्न हो रही है, और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होगा तो क्रियाफल पदार्थ अधिक बनेगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक भी अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए सहायक है। अभिक्रिया सदैव आगे की ओर चलती रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि बने हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड को समय समय पर यहां से अधिक यानी यहां से अलग करते रहना चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनाने की प्रक्रिया में, क्योंकि ये एक उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है और आयतन की कमी के साथ संपन्न हो रही है, इसलिए लासातेलिए के नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि ताप अधिक लेंगे और दाब कम लेंगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड दिशा में होने लगेगी। बैकवर्ड दिशा में होने का तात्पर्य है कि बना हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड वो वियोजित हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। और यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होगा तो अधिक क्रियाफल पदार्थ बनेगा। इसके अतिरिक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए सहायक है, और अभिक्रिया हमेशा आगे की ओर चलती रहे इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि बने हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड को समय समय पर यहां से अलग करते रहना चाहिए, जिससे कि अभिक्रिया सदैव फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। देखिए अब चौथा पॉइंट देखेंगे, PCl5 का वियोजन। PCl5 का वियोजन इस प्रकार होता है, देखिए PCl5 ये PCl3 प्लस Cl2 और ये है माइनस क्यू। इस क्रिया में ताप, दाब और सांद्रण किस प्रकार का होना चाहिए ये देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कैसी रिएक्शन है, उष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। हमने यहां पर लिख लिया अधिक ताप। क्यों है अधिक ताप की जरूरत? क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया है।
दूसरे दाब का देखिए, इधर एक वॉल्यूम या एक मोल और इधर PCl3 का एक वॉल्यूम और Cl2 का भी एक वॉल्यूम, कितना हो गया? दो वॉल्यूम या एक मोल PCl3 और एक मोल Cl2 बन रहे हैं कितने? दो मोल। वॉल्यूम कितना है? दो मोल। तो देखिए आयतन में वृद्धि के साथ संपन्न हो रही है और आयतन में वृद्धि कब होती है? जब दाब कम होता है। इसका मतलब कम दाब की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आयतन या मोल्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। तीसरा है अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होना चाहिए। ये है तो एक बार फिर सुनिए, PCl5 का जो वियोजन होता है वो, क्योंकि ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसलिए अधिक ताप की आवश्यकता हो। ठीक है। क्योंकि इस अभिक्रिया का साम्य इस तरीके से है जैसे आप देख रहे हैं, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो आयतन में वृद्धि के साथ संपन्न हो रही है, इसलिए लासातेलिए के नियम के अनुसार अधिक से अधिक ताप और कम से कम दाब अधिक वियोजन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसके विपरीत अगर प्रक्रिया करेंगे, परिस्थितियां लेंगे, विपरीत का मतलब है कि ताप को अधिक की बजाय कम कर दें और दाब को अधिक कर दें, तो अभिक्रिया बैकवर्ड दिशा में होने लगेगी। अर्थात ये दोनों मिलकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे? उन्हें PCl5 बना लेंगे, विपरीत दिशा में होने लगेंगे। अभिकारक पदार्थों का सांद्रण यदि अधिक है, यानी PCl5 का कंसंट्रेशन अधिक है, तो ये अधिक मात्रा में टूटेगा। इसके अलावा इसको बने हुए को अलग करते रहने पर समय समय पर अभिक्रिया सदैव फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी, अर्थात PCl5 वियोजित होता रहेगा। यदि कोई उत्प्रेरक है इसमें तो उसकी उपस्थिति भी इसके वियोजन में सहायक होती है।